श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमग्रीषु जुहति शब्दादीन विशानन्ये इंद्रिया अग्रिशु जुहति। कुछ लोग जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो कुछ दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनावृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिनाम संकीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रियाँ हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मचारी की तरह ही संयमित गृहस्थ रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।